फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। अनु की प्यारी फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आई हूँ अपनी आज एक नई वीडियो एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरी हो चुकी है कान्हा जी रेडी। देखिए मेरे गोपाल जी और बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हैं आजकल। इनके ना नए नए छोटे छोटे से बहुत सारे कपड़े बनाए हैं न्यू, और इनके नई ज्वेलरी सब चीज़ें बहुत प्यारी सी। कहते हैं ना, जब हम अपने लिए लाते हैं तो गोपाल जी के लिए भी लाएंगे। ये मेरी न्यू ड्रेस है, इसकी बनाई हुई थी घर पे, तो उसी का ही मैचिंग का। ये देखिए कितना सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं बड़े प्यारे से। और फटाफट सही करते हैं, वैजयंती माला तो ना मेरी बच जाती है, लेकिन तुलसी माता माला होती है ना वो मेरी मतलब बचती नहीं है, ख़राब हो जाती है कहीं ना कहीं। और मैं फटाफट बना रही हूँ आज हलवा। तो मैं इसलिए बता रही थी, लाइफ इसलिए अस्त व्यस्त है क्योंकि ना बारिश, गर्मी हो जाती है कभी, एकदम बहुत बारिश हो जाती है। तो ओपन घर है ना, तो सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, और थोड़ा डर भी लगता है जब हर जगह गीला हो और फर्श वगैरह पे, तो वैसे भी चिकना होता है ना, तो रपटने का डर लगता है चोट वगैरह का। तो इसलिए बार बार बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं गीला तो नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ना ऐसे ही होता है, मन नहीं करता, मूड ख़राब हो जाता है। तो मैं फटाफट बना दूँगी हलवा। तो आज मौसम की वजह से ही बना रही हूँ क्योंकि ठंडा ही मौसम है, और बच्चों के ना अब लास्ट चल रहे हैं बिल्कुल स्कूल की छुट्टियाँ, तो अब तो उनको स्कूल जाना ही जाना है, तो गोपाल को भी भोग लग जाएगा। ये मेरी सैटरडे की वीडियो है, तो सैटरडे को मैं प्याज वगैरह का भोग नहीं लगाती उसमें। गोपाल जी को तो मैं खैर लगाती ही नहीं हूँ प्याज लहसुन का, तो लेकिन हम घर में भी नहीं खाते, तो सोचे कि हलवा बना देती हूँ, सब खा लेंगे। और फटाफट मेरा बन चुका है हलवा, रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये सूजी का हलवा मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। तो आप भी गोपाल जी के साथ भोग लगा लीजिएगा, और सबसे पहले मैं गोपाल जी के लिए ही निकालूंगी। और बच्चों को ना सूजी का हलवा बहुत पसंद है, ज़्यादा इतना खास नहीं डालती क्योंकि मैं नारियल बहुत ज़रूर डालती हूँ गोला जो होता है, क्योंकि उससे ना एक टेस्ट सा आ जाता है। और मनक्खे वगैरह किशमिश डाल देती हूँ, और बस फटाफट बना देती हूँ अपना। गोपाल जी का भी लग जाएगा भोग और बच्चे भी खा लेंगे। और कुछ ना ऐसे बारिश की वजह से ना कुछ ऐसे ही बन रहा है, कभी 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 पकौड़ी, कभी ब्रेड पकौड़ा, कभी चीला। और आज मैं फटाफट इसके बाद हलवे के बाद मैं बना दूंगी। आज सोचा तो कुछ और था, लेकिन बनना कुछ और जाता है। हम लेडीज़ के साथ ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो बहुत अच्छी डिश बन जाएगी, और जब हम सोचते हैं ना कि कैसे कैसे करें, कि चार मेंबर हैं तो इस तरह से करूँ मैं एडजस्ट, और बनाने की कुछ और कोशिश करती हूँ और बन कुछ हो जाता है ना उस दिन। बहुत मेरे साथ तो होता है बहुत बार ऐसा कि अगर कोई डिश अच्छी बन जाए ना तो मज़ा ही मज़ा है, और कोई चीज़ ख़राब हो जाए ना तो ऐसे लगता है ना कि आज हमने कितना वेस्टेज कर दिया चीज़ का। तो देखिए मैं फटाफट धो लूँगी अनाज। मेरा ना, मैं मौसम का इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश ख़त्म हो और तो कब। ये हमारा बाहर का लॉन है, बिल्कुल बाहर ओपन है, घर के बिल्कुल बाहर, देखा होगा आप लोगों ने। तो कई दिन से ना मैं इंतज़ार कर रही थी अनाज धोने का, क्योंकि ना अब फिर बरसात ही आनी है। तो अब तो जितना मैं फ़ायदा उठा सकूँ ना मैं मौसम का, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं फटाफट कर दूँ, क्योंकि दो चार दिन अगर रह जाएंगे तो फिर मैं अंदर भी डाल दूँगी, कोई टेंशन नहीं है, पंखे में डाल दो। पर यह है कि हवा निकलनी ज़रूरी होती है गेहूँ की एक बार। तो आज मैं इसलिए जैसे ही मौसम खुला ना, मैंने सोचा कि इतना तो मैं कर ही लूँ फटाफट, जो मैं कर लूँ। तो नया अनाज है और तो इतना ज़्यादा गंदगी भी नहीं है वो इसमें ना, मैंने उसे टंकी वगैरह में भी नहीं रखा, तो कि ज़्यादा धोना पड़े, क्योंकि टंकी वगैरह में तो हम लोग दवाई रख देते हैं ना, तो दो तीन घंटे में बाहर ही निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि बरसात के मौसम में मानो हम खोलते हैं तो सीलन की वजह से ना उसमें टंकी वगैरह में सुरसुरी लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप भी बताना आप लोग कौन कौन ऐसे हैं जो अनाज को भर के रख देते हैं टंकी में दवाई वगैरह डाल करके, या क्या दवाई डालते हैं जिससे सुरसुरी ना लगे। और देखो प्लांट्स ना बरसात के बाद कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं, सभी प्लांट्स बड़े हरे हरे हो रहे हैं, जैसे ना थोड़ी सी जान आ गई हो इनमें। ऐसा नहीं है कि इन्हें पानी नहीं दिया जा रहा था, पानी कंटिन्यू दिया जा रहा था, लेकिन ना फिर भी जो नेचुरल जो पानी आता है ना बरसात का, उससे तो ये एकदम हरे भरे हो जाते हैं। कितना पानी आता है लेकिन सब सोख लेते हैं पेड़ अपने अंदर, तो इस टाइम तो थोड़े ऐसे ही रहेंगे। और पर ना अब कीड़े कांटे का बहुत डर लगता है इस मौसम में प्लांट्स वगैरह के, तो थोड़ा सा ध्यान से भी देखना पड़ता है। एक तो मच्छर वगैरह रखते हैं, शाम के टाइम नहीं जा सकते इनमें। तो ये देखिए पेड़ बड़े खुश हो रहे हैं ना बरसात के बाद, सभी खिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया। और मैं भी फटाफट अपना, जैसे धूप आएगी ना, मैं साइड से हो रही थी कि जल्दी कर दूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। और ऐसे होता है ना कि तीन चार घंटे धूप बहुत तेज हुई, फिर एकदम मौसम कूल सा हो गया, बादल वगैरह छा जाते हैं, तो तुरंत चीज़ ले जानी पड़ती है। और हमारे यहाँ तो आपको पता ही है बंदरों का कितना बड़ा आतंक है, बंदरों की सुरक्षा सबसे बड़ी है, क्योंकि मेहनत सारी मेहनत को ना दो मिनट नहीं लगते मिट्टी में मिलाने में, और ऐसे कर देते हैं बिल्कुल तहस नहस अनाज देख कर, क्योंकि तो ना इतना बौखला जाते हैं वो कि बस ये सोचते हैं कि फटाफट फटाफट बस अब आ गया हाथ में, अब नहीं छोड़ना, फेंकते हैं, खाते भी नहीं, मतलब मुँह में भर लेंगे और दोनों हाथों से ना उछालना शुरू कर देते हैं, बहुत बुरी हालत कर देते हैं। इसलिए बंदरों से तो सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान रखना है। और आज ना बेटी बना रही थी वीडियो, देख फटाफट क्या क्या पता नहीं क्या क्या दिखाएगी ये वीडियो में। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने अनाज को डाल दूँगी, फिर सारा दिन की इसकी रखवाली भी है, क्योंकि हाथ भी निकालना है धूप में इसको, जिससे कि थोड़ा सा इतना तो हो जाए फरेरा सा कि फिर इसे मैं अंदर रख दूँ तो कोई मतलब उमजे ना आए थोड़ा सा, क्योंकि जब ज़्यादा पानी में घुस जाता है ना तो ऐसे मोटा मोटा सा हो जाता है और काफ़ी टाइम लगता है फिर इसको सूखने में।
तो आज काम निपटा करके मैं फटाफट पहले अनाज ही कर रही थी कि इसे कर दो, तो कुछ तो इनके रेडी करा गए थे और फिर थोड़ा बहुत बच गया था वो मैंने खुद उठा के रख दिया साइड में फैली हुई है सरसों। तो किसान के घर में तो बहुत काम होते हैं जो लोग खुद करते हैं गांव देहात में, तो ऐसी बात नहीं है गांव में, शहर में भी करते हैं। और देखिए जो मैंने कहा ना कि जब जब हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसको नहीं बने तो क्या होता है, मैं ये आलू रखे थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं पिट्ठी बना के ना कुछ आज नया ट्राई करती हूँ। तो मैंने पहले तो ना इसको भून लिया आलू को बहुत बढ़िया करके, पिट्ठी सी बना ली इसकी छोंक के साथ, तो एक अलग ही टेस्ट आता है। मैं सोच रही थी इसमें ना पेटीज बनाऊंगी मैं और बच्चे ना खुश होकर खाएंगे कि न्यू डिश मिलेगी। लेकिन ना मैंने जैसे बनाना शुरू किया ना तो मैदा इतनी पतली हो गई कि मतलब वो बनी नहीं। फिर मैंने उसका ना फिर जस्ते से करके समोसे ही बनाए। और देखिए मेरी पिट्ठी ना नया नया ट्राई करने में ना कई बार क्या होता है ना कि हम करते कुछ और हैं वो कुछ और जाता है, और उस टाइम ना क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने कितना बड़ा वेस्ट कर दिया मतलब आज किचन का एक सामान। तो मैं सोच तो रही थी कुछ सोची थी बच्चे खुश हो जाएंगे सरप्राइज़ मिलेगा, लेकिन ना बस हो गया कुछ गलत। पर यही था कि हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने आगे ना इसको पीसेस करा के और इसके ना समोसे बनाने शुरू करे, क्योंकि जब वो बनने शुरू हुए तो एक दो तो मैंने बनाए पर इसमें ना शायद किसी चीज़ की कमी मतलब कुछ था जो मुझे भी समझ में नहीं आया इसमें क्या कम रह गया था। पर मैंने कोशिश फिर भी करी, देखे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वैसे थोड़ा सा बस ये देख लीजिए लुक थोड़ा सा आया लेकिन टेस्ट ही लगे बहुत ज़्यादा खाने में। तो उसके बाद मैंने इनको फिर ना एक नया शेप दिया समोसे का और फिर ये समोसे ही बना करके खाए सबने सॉस के साथ। तो बारिश बहुत तेज़ थी ना, ऐसे मुझे ना मैं बच्चे बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा खाओ, सब्ज़ी रोटी को तो बिल्कुल मना कर देते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो इन्हें फिर बेचारों को स्कूल जाना है डेली अपना वही रूटीन वही अपना टिफ़िन सब्ज़ी रोटी वही, तो मैंने कहा चलो कर देते हैं थोड़ा बहुत करने में कोई दिक्कत नहीं है कभी कभी। तो फटाफट मैंने बना दिया और बच्चों को भी खूब इंजॉय करके खाया। वो कहते हैं ना मम्मी के हाथ का तो कुछ भी बना दो बस टेस्ट आना चाहिए बेचारे बच्चों को। तो मेरे बच्चे ऐसे बहुत कम करते हैं, ऐसे नागानुकर कम मतलब नहीं करते, मीन में एक नहीं छांटते, तो बोलते हैं नहीं मम्मा अच्छा बनाया। और वाकई ऐसे ही मतलब सिर्फ उसका लुक चेंज हो गया था, अदरवाइज टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा था उसका। और मैं फटाफट बना भी रही थी, मैंने सोचा लेयर बना के करूँगी तो, पर शायद वो नहीं, अब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना अब की बार थोड़ा सोच के बनाऊँगी हिसाब से। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो ये कुछ इसी तरह से चटपटी किचन के अंदर की थी और कुछ मेरा बाहर का था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो रूटीन में आपको बता रही हूँ ना मेरा इसी वजह से नहीं हो पाता ना, एक तो ये मौसम थोड़ा सा ना साथ नहीं दे रहा, जब थोड़ा सा कंटिन्यूटी आती है तो मैं हमेशा बनाती दो दो तीन तीन दिन के उसमें। पर अब कोशिश करूँगी कि वीडियो मेरी कंटिन्यू आए, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, कमेंट करने बहुत कंजूसी करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।